अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल ऑफिशियल में आप सबको दिल से सलाम। लोग पूछ रहे हैं रेहान जमाल कहाँ चले गए, आपको वीडियो नहीं डाल रहे, तो चक्कर ये कि मैं थोड़ा सा मसरूफ हुआ हुआ हूँ काम के सिलसिले में, और आपको दिखाता चलूँ कि अब सेटअप कुछ नया करने वाले हैं। तो ये हमने लाइट वगैरह ले ली है और अयान तैयारी कर रहा है। अयान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? खैरियत और नींद में? देखिए जी, लाइट ली है अभी और लाइट हमने लगा ली है, यहाँ पे कुछ सामान लिया है और ये क्रोमा है। यहाँ से अगर हम इसको क्रोमे को ऐसे अगर खोल देते हैं तो ये मैंने देखें जी ग्रीन पर्दा ये लगा लिया है, और ये ग्रीन पर्दा हमने लगा लिया क्योंकि इस पर आपको पता है कि क्रोमा पे शूट होती है, बड़े कॉन्टेंट बनते हैं, आयान ही इसको एडिट करता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ये शूट। माइक लिए हैं, किसके माइक है ये? बोया है? बोया, बोया के माइक, बोया के माइक। कितने के लिए थे भाई तुमने ये? हमने लिए थे, कितने के लिए थे यार? कितने के? यार मुझे नहीं पता, ये तो सारे सामान के साथ आए थे। तो नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त है हिसाब किताब, और लाइटिंग वाइटिंग पीछे से लाइट ऑन कर लो ना। मैं एक शूट करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी दिनों से ये थी गुजारिश कर रेहान भाई वीडियो नहीं आ रही, रेहान भाई आप जो है कॉन्टेंट नहीं कर रहे, तो कॉन्टेंट भी कर रहे हैं और जाहिर है घर को भी देखना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इफ्रा भी घर में, इफ्रा छुप जाती है जब मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ ना, इफ्रा छुप जाती है। तो नाज़रीन देखें जी, क्रोमा ये तैयार है हमारा, और हमने इसको जो है क्रोमा काटना भी एक फ़न है, और अयान जो है आजकल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ ये क्या सेटअप है। देखें, लाइट रेडी हो गई हमारी, अयान एडिटर है और अयान डायरेक्टर भी है ये क्रोमा। और माइक मुझे दे देना, माइक दे दो वाला ना, माइक कौन सा वाला? हाँ, एक हैंड माइक भी हमारे पास है, उसमें हम उसको डमी यूज करते हैं और बड़े तरीके से डमी यूज करते हैं, वो आप देखेंगे कि वो कैसे होने वाला है। और केले रखे हुए हैं नाज़रीन, केले सर्दियों में आके कहते हैं खाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि केले खाने चाहिए। अच्छा, मैंने अपना जो है चैनल लगाया हुआ है और आखिरी वीडियो पे माशाल्लाह 3.1K व्यूज हैं, तो वो भी चल रही है, वीडियोज भी चल रहे हैं, शोज भी चल रहे हैं। तो मैं अब आज आपके सामने मौजूद हूँ और मैं एक बड़ा अच्छा कंटेंट करने जा रहा हूँ। लोगों की फरमाइश है रेहान भाई वो कंटेंट करने हैं, कौन सा वाला? वो जो अहमद खान की पॉडकास्ट में अभी मैंने कुमार सानू का किया है, वो ये है ना, वो ये है अहमद खान की पॉडकास्ट में ये किया है कुमार सानू का। तो लोगों की फरमाइश है कि ये करना है, तो मैं ये वाले गाने भी सुनाऊंगा, और कुछ मिमिक्री है, कुछ जोक्स हैं, वो बस अभी तैयारी कर रहे हैं। आयान साहब कहाँ चले गए? आयान साहब आ जाओ, कहाँ हो, कहाँ चले गए तुम? और इफ्रा क्या कर रही है? मैं इफ्रा को देख के आता हूँ, इफ्रा है कहाँ है? इफ्रा कैसी है आप, ठीक ठाक है? क्या कर रही है? अच्छा, मोबाइल यूज कर रही है इफ्रा। इफ्रा के स्कूल खुल गए हैं, और इफ्रा कल से स्कूल जाना है अपने, ये बता दो। नहीं, कल नहीं जाएंगे क्योंकि कल स्टूडेंट बहुत कम आते हैं। तो स्टूडेंट कम आते हैं, टीचर्स तो आती है ना, नंबर भी कट जाते हैं भाई। स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वैसे? सही बात, जाना तो चाहिए, एक छुट्टी से क्या होता है। अच्छा चलो यार, सर्दियां हैं, एक छुट्टी से क्या होता है, लेकिन फिर आप इस छुट्टी को कवर कीजिएगा अगले दिन, ठीक है? चलें जी, इफ्रा भी तैयारी पे हैं, और इस वक्त मैं आ गया था इफ्रा के रूम में, तो इफ्रा रेडी हैं, और मेरा भी सेटअप सारा रेडी है। ये देखें, ये सब सेटअप रेडी है, और बड़ी मुश्किल जॉब है, ये करना पड़ता है। अच्छा, अयान किधर है? अयान, अयान साहब कहाँ हो? यार बाल बना रहा था। अरे वाह भाई, बड़े प्यारे बाल, सही लग रहे? हाँ हाँ, इतने प्यारे बाल बनाए, ऐसे बाल तो नाई भी नहीं बनाता है, जितने अच्छे तुमने बनाए। चलिए, हाँ रेडी करेंगे, और सारी चीजें तैयार है। देखें जी, हमारा पूरा सेटअप तैयार है, और ये क्रोमा भी तैयार है। मैं करने जा रहा हूँ शूट, और कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा अच्छा सा कंटेंट आपको दूं कि आप लोग इन्जॉय करें और आप लोगों को अच्छा लगे। मेरी वीडियो देर से आई, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से बहुत माजरत भी करता हूँ, और कुछ मसरूफियात है तो उसके लिए आपसे एक दफ़ा फिर सॉरी करता हूँ। लेकिन अभी की कोशिश ये होगी कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। माइक आ गया? माइक हम कैसे यार, ये माइक जो है ना, देखो ऐसे लगेगा माइक, इसको खोलता है, ठीक है, और इसके अंदर अच्छा ये नाज़रीन, ये जुगाड़ है पक्की वाली। और ये जुगाड़ मुझे किसने सिखाई थी? ये जुगाड़ मुझे सिखाई थी किसने? यार ये सलमान सैफ ने मुझे ये जुगाड़ सिखाई थी। सलमान सैफ, हाँ। ये यूं चला गया? हाँ चला गया, और ये यूं करके बंद हो जाता है। अच्छा, तरह बोलो कुछ। नहीं अभी बंद होगा, फिर बोलूंगा। अच्छा
नागरी बहुत जबरदस्त आइडिया है ये, और इतना जबरदस्त आइडिया है ये कि इस डमी माइक के अंदर हम भोया के एक माइक अंदर फिट करते हैं, ऊपर से उसको कवर लगा के उसको घुमा देते हैं तो वो बन जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही कहूंगा कि मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करते रहिएगा। एक दो बार फिर मैं ये कहूंगा कि मुझसे कनेक्ट रहिएगा, अब आपका भाई कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास मौजूद है। तो अभी का ये कंटेंट मैं खत्म कर रहा हूँ, जा रहा हूँ शूट पे, तो ये व्लॉग भी आप देखेंगे और शूट भी आप देखेंगे जो मैं कॉन्टेंट कर रहा हूँ, कि मैं क्या कॉन्टेंट कर रहा हूँ, क्या बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो आयान साहब मैं कह रहा हूँ देखो ये व्लॉग ऐसे कोई बनाएगा, व्लॉग ऐसे कोई भी नहीं बना सकता आयान। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे, मुलाकात होगी शूट पे कंटेंट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।